जोहानस केपलर एक जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर था। 1630 में इसकी वफात हुई है। इसकी जो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये तीन लॉज हैं, तीन कानून हैं जिनको फॉलो करते हुए कोई भी प्लैनेट अपने स्टार के गिर्द ऑर्बिट करता है। इवन हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारे सैारे हैं वो सूरज के गिर्द जब ऑर्बिट करते हैं तो वो इन तीन लॉज को फॉलो करते हैं। अब जब केपलर ने अपने ये तीनों लॉज पब्लिश किए तो उस दौर की मजहबी दुनिया में एक शदीद बहस छिड़ गई, क्योंकि उस वक्त ईसाइत की दुनिया में ये बिलीव किया जाता था, ये माना जाता था कि ज़मीन के गिर्द सब कुछ घूमते हैं और ज़मीन साकिन है। और उस दौर की जो मजहबी लीडरशिप थी उसका केपलर के साथ काफ़ी इस बात के ऊपर इख्तलाफ भी रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारी भी पाकिस्तान में भी एक मजहबी खास तबका है जिसके अंदर इस चीज़ को माना जाता है कि ज़मीन जो है वो साकिन है और सब कुछ ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। एनी हाउ ये देखते हैं कि ये तीनों केपलर के जो लॉज थे ये क्या कहते हैं। केपलर का जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट अपने स्टार के गिर्द सर्कुलर शेप में नहीं बल्कि एलिप्स की शेप में ऑर्बिट करता है, यानी उसका जो मदार है वो बैदवी शक्ल का होगा। बैदवी शक्ल मुख्तलिफ तरह की हो सकती है लेकिन ऑब्वियसली वो इसी तरह से नज़र आएंगी। तो सर्कुलर शेप में नहीं होता, जैसा कि उस दौर में मेजॉरिटी एस्ट्रोनॉमर्स ये बिलीव करते थे कि परफेक्ट शेप होनी चाहिए सर्कुलर, क्योंकि कायनात में हर चीज़ परफेक्ट है। तो केपलर ने कहा कि नहीं, वो एक एलिप्स की फॉर्म में होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि प्लैनेट और सन के दरमियान में जो डायरेक्ट लाइन बनती है, ये लाइन जो फासला कवर करती है कुछ अरसे बाद, एक ख़ास टाइम के बाद, वो हमेशा एक जैसा ही कवर करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये प्लैनेट यहाँ से ट्रेवल करता हुआ इस पॉइंट पे पहुँच जाता है तो ये लाइन जो है वो अब ट्रेवल करके यहाँ पर आ गई है। अब इसके दरमियान में जो एरिया बनेगा ये वाला, ये इक्वल होगा अगर इसी टाइम के अंदर प्लैनेट किसी दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करता है। मिसाल के तौर पर यही प्लैनेट जो है वो अब यहाँ से ट्रेवल कर रहा है यहाँ तक, अगर यहाँ अगर उसको इस पॉइंट से ये ट्रेवल करने में टी टाइम लगा, जो कि हम कह सकते हैं कि एक मंथ एक महीना है, और अगर एक महीने में वो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यहाँ पे भी जो लाइन एरिया टोटल कवर करेगी वो उतना ही होगा जितना कि पहले उसने कवर किया है। तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर ये लाइन सेम डिस्टेंस कवर करती है, चाहे वो सूरज से दूर प्लैनेट ट्रेवल कर रहा हो या करीब। इनफैक्ट यही वजह है कि जब प्लैनेट सूरज के करीब होता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करता है, और जब वो दूर होता है तो वो आहिस्ता ट्रेवल करता है, ताकि ये जो एरिया बन रहा है बीच में इसको सेम रखा जाए। ये कुदरत का एक कानून है जो केपलर ने डिस्कवर किया। तीसरा जो लॉ है जो केपलर का, वो ये कहते हैं कि टोटल जो टाइम लगता है किसी भी प्लैनेट को एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में, टोटल जो टाइम लगेगा, मिसाल के तौर पे अगर हम उस टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो टाइम का अगर आप स्क्वायर कर लें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। सेमी मेजर एक्सिस क्या है? कि जब प्लैनेट जो है वो सूरज से सबसे ज़्यादा दूर होता है तो उनको जो लाइन डायरेक्ट आपस में कनेक्ट करती है, यानी कि उनके दरमियान में जो डायरेक्ट लाइन बनेगी, इस डिस्टेंस को हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। तो इसका टाइम जो है वो इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये थे केपलर के जो तीन लॉज थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई वैल्यू वाली चीज़ है तो प्लीज़ डू शेयर।